एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ ने निकाली रैली, किया प्रदर्शन, कहा भजन सरकार को बेरोजगारों की हाय लगेगी। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ का 12 घंटे का दिया अल्टीमेटम, बोले फतवा वापस नहीं लिया तो जयपुर कूच करेंगे। कल ही भजन सरकार ने सेवाएं समाप्त करने का लिया था निर्णय। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय, कल ही प्रदेश की भजन सरकार ने एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ की सेवाएं 31 दिसंबर 2023 को समाप्त करने का निर्णय लिया है। वहीं आज उसका असर भी दिखाई दिया। झुंझुनू समेत प्रदेश के कई जिलों में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ ने विरोध रैली निकालते हुए भजन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी क्रम में झुंझुनू में शहीद स्मारक से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और भजन सरकार को 12 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ ने कहा कि यदि सेवा समाप्ति का ये फतवा 12 घंटे में वापस नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश के एनएसयू जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ जयपुर कूच करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ ने बताया कि एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ पिछले 2 सालों से घर घर तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार बदल गई लेकिन फिर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों के जरिए भी केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बावजूद इसके एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ पर कांग्रेस का ठप्पा लगाकर बेरोजगार किया जा रहा है वो सही नहीं है। सरकार यदि ऐसा करती तो उन्हें बेरोजगारों की हाय लगेगी। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ नियमित होने का इंतजार कर रहे थे लेकिन इस सरकार ने नियमित करने की बात छोड़ो फिर से बेरोजगार करने का फतवा जारी किया है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले वर्ष माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा राजीव गांधी युवा मित्रों की भर्तियां की गई थी। वो भर्तियां इसलिए की गई थी कि ताकि जो जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट चला रही है वो राजस्थान के प्रत्येक गरीब तबके के लोग तो वो स्कीमें वहां तक पहुंच सके। अभी पीछे ही समय में 2500 लोग राजस्थान के अंदर ये तैयार किए गए थे राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से और उनका जो लगातार समय से उनको बढ़ाया जा रहा था उनका समय बढ़ाया जा रहा था। फिर जब गहलोत साहब को ये लगा कि अभी गरीब व्यक्ति तक उनकी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है स्कीमें उन तक नहीं पहुंच रही हैं तो राजस्थान सरकार ने 2500 और लोगों की भर्ती की गई थी। फिर उनका जो नए लोग उन जोड़े गए थे उनका फरवरी तक उनको बढ़ाया गया था ताकि ये राजस्थान सरकार के साथ मिलकर उन जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचा सके। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में गवर्नमेंट बनी राजीव गांधी ये जो युवा मित्र बनाए गए इनको एक पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि ये सभी जो लोग हैं 5000 लोग राजस्थान के अंदर व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से इनको लिया गया था। इनमें अपन देख सकते हैं कि महिलाएं भी इसके अंदर हैं जो कॉलेजिएट स्टूडेंट है वो भी इसके अंदर फिलहाल राजीव गांधी युवा मित्र बने हुए हैं। राजीव गांधी युवा मित्रों को जब लिया गया था तो उनकी एक शर्त थी कि कोई भी स्टूडेंट है तो वो किसी महाविद्यालय का कोई रेगुलर स्टूडेंट नहीं होना चाहिए वो किसी कोचिंग का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। तो ये जो लोग हैं इन्होंने ये सोचा कि आने वाले समय में या तो सरकार इनको परमानेंट कर देगी अगर इनको परमानेंट भी नहीं करेगी तो इनको संविदा के रूप में रख लेगी जिसके कारण इनका कॉलेज का मामला तो खराब हो ही गया ये कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लायक भी नहीं बचे। फिर इनको 2 साल के अंदर राजस्थान के अंदर प्रत्येक घर का ज्ञान हो चुका है धरातल का इनको ज्ञान हो चुका है। अगर ये चाहे तो मैं मानता हूँ कि अगर 2 साल से राजीव गांधी युवा मित्र लगातार फील्ड में घूम रहे हैं 5-5, 10-10 पंचायतों की जिम्मेदारी लेकर ये पंचायतों में घूम रहे हैं तो मैं ये भी मानता हूँ कि इनके संपर्क में 500 से 1000 परिवार प्रत्येक व्यक्ति के 100% उनके हैं जिनको इन्होंने योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। बिल्कुल बिल्कुल हम ये मानते हैं पीछे भारतीय जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने पंचायत सहायकों की भर्ती की गई थी उस समय उनको कांग्रेस पार्टी ने परमानेंट किया और जो लोग और भी जो स्कीमें चल रही है उनको परमानेंट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रयास किया। हम ये चाह रहे थे कि ये जो लोग हैं मैं ये मानता हूँ कि 5000 लोग ये जो जुड़े हुए हैं 17,500 की नौकरी कर रहे हैं मैं ये मान रहा हूँ कि इनके कारण इनके घर पे चूल्हा जल रहा है उनकी रोटी की व्यवस्था बैठ रही है। अब आप सरकार से हम भजनलाल जी शर्मा ने जो कल ये फतवा जारी किया है हमसे ये पूछना चाहते हैं कि इन लोगों के साथ आपने ये अन्याय क्यों किया। अगर आपको राजीव गांधी नाम से दिक्कत थी तो आप अपने भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी का नाम रख लेते लेकिन ये बेरोजगारों की आपको हाय लगेगी। आप अभी भी समय है 31 तारीख तक आपने ये जो 31 तारीख को खत्म करने का आदेश जो खत्म करने का नाम लिया है हम आपको 12 नहीं हम आपको 10 घंटे का समय देते हैं 10 घंटे के अंदर ये तो फतवा वापिस जारी हो जाएगा वरना झुंझुनू जिले का युवा है किसी चीज से डरता नहीं है भाई इनके मन में है नहीं। पूरे भारतवर्ष में वीरों के नाम से भूमि जानी जाती है और ये वीरों की भूमि से जो
ये जो अंश निकलते हैं ये जीत कर ही वापिस लौटते हैं, तो हम भारत ये भजन लाल जी को वापिस अल्टीमेटम देते हैं, ये फतवा वापिस ले लो, बेरोजगारों के साथ न्याय बंद कर दो, वरना आने वाले लोकसभा चुनाव तो आगे आने वाले हैं, ये रड़क पाड़ के झुंझुनू से यहाँ पर भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वापिस सोच लो बेरोजगारों के साथ भारत का, आपको हाई लगेगी इन बेरोजगारों की, हमें कोई इस चीज से मतलब नहीं, आप क्या करोगे, ये तो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। आप अभी कल एक बीजेपी के नेता ने बोला कि ये कांग्रेस के लोग हैं, तो साहब ये जो कैंप चल रहे हैं भारत सरकार के, जो कैंप चल रहे हैं मोदी जी के, जो कैंप चल रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये राजीव गांधी युवा मित्र अपनी परमानेंटली ड्यूटी दे रहे हैं। अगर ये कांग्रेस के नेता होते, ये कांग्रेस के विद्यार्थी होते, उन कैंपों में क्यों जाते? अभी आपके सोचने की बात है, हम तो आपसे क्रमबद्ध निवेदन करते हैं, हम तो युवा लोग हैं, भगत सिंह लोग हैं, आप अगर हमारे आप बहरे हो जाओगे तो हमको तो धमाका करना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सर, हम ये जो टीम है ये सारी राजस्थान, पिछली सरकार ने, गहलोत सरकार ने 2001 में राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से पोस्ट निकाली थी, इसमें लगभग राजस्थान के 5300 के आसपास कर्मचारी हैं, जो एक प्रकार से 17500 के मानदेय के ऊपर लगे हैं। इनको कल दिनांक के 25 दिसंबर को अचानक बिना किसी सूचना के आदेश निकाल कर इनका पद समाप्त कर दिया गया है। 31 दिसंबर तक इनको लगा कर इनका पद समाप्त कर दिया गया है। अब हमारी मांगे यह है कि हमें या तो संविदा के ऊपर लगाया जाए या फिर हमें समायोजित किया जाए। अब हम कहाँ जाए? अब इसमें वो भी तो है, जैसे कि जो अब या तो 12 घंटे के अंदर सरकार वापस अपना आदेश वापस लेती है, वरना हमें स्टेट लेवल पर राजस्थान में जयपुर के अंदर भारी भरकम आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। एग्रीमेंट कब तक था? एग्रीमेंट 2 साल का, मिनिमम 2 साल की है। 2 साल का, लेकिन अब वालों को तो 2 साल के।